अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू चेक शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल और नॉट। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एल्गोरिथम लिखा है, शॉर्टकट है ये, ताकि थोड़ा सा एग्जाम में आपका टाइम सेव हो सके। मैं चाहता हूं कि हमें ना व्यू सीरियलाइजेबल की डेफिनेशन कम से कम लगानी पड़े एग्जाम में, तो उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूं। देखो पहला है कि आप चेक करें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के लिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल आ गया तो व्यू सीरियलाइजेबल 100% आएगी, जिसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो हमारी टेंशन वही खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन आ रहा है व्यू सीरियलाइजेबल का, लेकिन आप पहले चेक करें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की। अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल आ गया तो व्यू अपने आप से हमारी टेंशन खत्म, कॉन्फ्लिक्ट तो हम बहुत जल्दी चेक कर ही लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं निकला तो फिर आप चेक करोगे ब्लाइंड राइट, कहीं कोई ब्लाइंड राइट है क्या। अगर कहीं कोई ब्लाइंड राइट नहीं होगा, एक किस्म से हमारे पास कंस्ट्रेंट राइट अजम्पशन होगी, और उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल की डेफिनेशन एकदम सेम है, मतलब अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया तो फिर व्यू अपने आप से नहीं आएगा, तो हमारी वहां पे भी टेंशन खत्म। ठीक है, अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं निकला तो आप ब्लाइंड राइट को चेक करेंगे। अगर कहीं कोई ब्लाइंड राइट नहीं है तो आप चुपचाप से बोलेंगे कि व्यू सीरियलाइजेबल भी वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद लास्ट है, अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं निकला, फिर हमने देखा कि क्या ब्लाइंड राइट है, और उसके अंदर ब्लाइंड राइट निकल आए, तो फिर मेरी मजबूरी है, मेरे को डेफिनेशन लगानी पड़ेगी व्यू सीरियलाइजेबल की, अदरवाइज मेरे को डेफिनेशन ना लगानी पड़ती। बट अब फिर मेरे को मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, तो कब मजबूरी हो जाएगी, जब हमारे पास शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं निकला और साथ साथ उसके अंदर ब्लाइंड राइट भी है। ठीक है, ओके, तो चलो फटाफट से हम इसकी चेकिंग करते हैं। इसमें देखो यहाँ पे आप चेक करोगे तो मैं इसमें थोड़ा सा टाइम सेव करता हूँ, आप अपने आप से T1 T2 T3 बना बना के देखना। मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे देखो WD2 है तो यहाँ पे RD2 है, तो T2 से T1 एक एज जाएगी, और यहाँ पे WD1 है, यहाँ पे RD1 है, तो T1 से D2 भी एज जाएगी। What does this mean? यहाँ पे साइकिल बन रही है, दैट मीन्स ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो नहीं है। अच्छा, फिर बात आएगी ब्लाइंड राइट चेक करने की, कहीं पे भी देखो ब्लाइंड राइट आपको नजर नहीं आएगा। देखो WD2 है तो उससे पहले RD2 बैठा है, या WD1 तो RD1 बैठा है, RD तो R है, तो यहाँ पे देखो WD2 है तो RD2 है, WD3 है तो RD3 है, हर जगह पे WD2 है तो RD2 है, दैट मींस कोई ब्लाइंड राइट नहीं है। तो चुपचाप से मैं बोलूंगा कि ये व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं निकला तो व्यू निकलने का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप किसको देखो T1 T2 T3, इसमें पहले देखो क्या ये व्यू कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, यहां से यहां जा रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। आप चेक करना चाहते तो नोट्स बना बना के देखो, मैं थोड़ा सा टाइम सेव कर रहा हूं। अच्छा, उसके बाद फिर हमें देखना है कि क्या ये व्यू सीरियलाइजेबल है, उसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा ब्लाइंड राइट है कि नहीं है। देखो यहाँ पे ब्लाइंड राइट बैठा है, अगर ब्लाइंड राइट बैठा है तो फिर मेरे को दिक्कत है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि मेरे को अब डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। तो डेफिनेशन देखो हम लोग कैसे लगाएंगे, पहले रीड आर ए पे सबसे पहले रीड T1 ने करा है तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए पे आखिरी में राइट किसने करा है, T3 ने करा है, तो वही बात आएगी, सबसे पहले T1 चलेगी और लास्ट में T3 चलेगी, और फिर बचती है T2। तो देखो क्या ये ऑर्डर में फॉलो करवा सकता हूँ क्या, मतलब क्या WA को ऊपर कर दूं और इसको नीचे कर दूं तो ये चीज चलेगी, मतलब इन द सेंस मैं WA को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दूं तो क्या ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ये WA और ये WA आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं थे, तो RAW पहले पूरा T1 चल जाएगा, फिर T2 चल जाएगा, और फिर पूरा T3 चल जाएगा। ठीक है, तो आराम से ये ऑर्डर आ रहा है, दैट मीन दिस शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल, बट ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं निकला था। डेफिनेशन क्यों लगानी पड़ी, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, डेफिनेशन हमें इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि एक किस्म से ये ब्लाइंड राइट था। ठीक है, दैट्स ऑल। अच्छा, अब लास्ट शेड्यूल हम देखते हैं क्या ये व्यू सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो पहले तो हमें डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं है। तो देखो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ये शेड्यूल होगा कि नहीं, फटाफट से चेक करो। RX है तो यहाँ कहीं दिक्कत नहीं है, WX है तो ये देखो यहाँ यहीं से देख लो, ये देखो RY WY RY ये लूप बन गई ना, बस तो हम यहीं से बोल देंगे ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। अच्छा, अब हमें व्यू सीरियलाइजेबल देखना पड़ेगा। तो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए देखो हम क्या करेंगे, वही डेफिनेशन हमें लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ब्लाइंड राइट बैठा है, ये देखो ये WY इज द ब्लाइंड राइट, अगर ये ब्लाइंड राइट है तो फिर मेरे को मजबूरी बनेगी डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। तो डेफिनेशन देखो हम लोग कैसे लगाएंगे, आप देखो क्या मैं T1 को सबसे पहले ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसने RX करा है तो मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। क्या T3 को लास्ट में शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब रीड है और लास्ट में Y में राइट कौन कर रहा है, T3 कर रहा है, तो मेरे को उसको नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा या ऊपर। अब देखो मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर नहीं सकता क्योंकि फिर ये रीड के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग पैदा होगा, राधा इस रीड के साथ भी कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, और इसको मैं नीचे शिफ्ट करना चाहूँ वो नीचे भी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि फिर ये RW कॉन्फ्लिक्ट मेरा चेंज रहेगा। सो दैट मीन देखो यहाँ पे ये RW कॉन्फ्लिक्ट है, ये WR कॉन्फ्लिक्ट है, मेरे को उनकी सीक्वेंस मेंटेन करवानी थी तो मैं इस WY को नीचे शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दैट मीन्स एक किस्म से हम लूप में फंस रहे हैं, T2 T3 में एक किस्म से हमारी साइकिल बन जाएगी,
ग्राफ को अगर हम देखें तो वैसे ग्राफ तो हम इसमें हम बनाते नहीं है, ज्यादा हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल आप मतलब कॉमन सेंस चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ पे आर वाई है, ये डब्ल्यू वाई है, ये आर वाई है। इस डब्ल्यू को मैं ऊपर नहीं कर सकता, करते ही फिर ये रीड इक्वेशन से फ्रेश नहीं रहेगा, और अगर मैं इस डब्ल्यू वाई को नीचे शिफ्ट कर दूंगा तो फिर इसने रीड जो करा है इसके राइट करने के बाद करा है वो भी चेंज हो जाएगा, मतलब सीधी सी बात है आर डब्ल्यू डब्ल्यू आर कॉन्फ्लिक्ट में सेम नहीं रहेंगे, इसलिए ये शेड्यूल हमारा व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा। ठीक,